हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी जो कि है गुड वाइब्स की विटामिन ई क्रीम। अगर आपने ये वाला मेरा मेकअप लुक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वेडिंग फंक्शन लुक है ये। बेसिकली जो मेहंदी वाला फंक्शन होता है तो इस तरह का लुक हम ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन और मेरा ग्रीन कलर का आई शेडो। तो चलिए बात करते हैं गुड वाइब्स की विटामिन ई क्रीम की। इन्होंने ये क्रीम बहुत पहले लॉन्च की हुई है। ये सर्दियों के लिए बेस्ट क्रीम है। इसको अगर आप समर्स में भी यूज़ करते हो तो थोड़ा सा आपको ये ऑयली लगेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन ये सर्दियों के लिए बेस्ट क्रीम है। इसमें लिखा हुआ है गुड वाइब्स की विटामिन ई नरिशिंग फेस क्रीम। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नो पैराबेंस, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री, नो मिनरल ऑयल। और इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इसमें इन्होंने जो जो भी प्रोडक्ट डाले हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले हुए सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इन्होंने इसमें ग्लिसरीन डाला हुआ है, इसमें रोज़ वाटर डाला हुआ है और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए जो यहाँ पे मेंशन किए हुए। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 225 रुपीज़ की इसकी प्राइस है, लेकिन ये हमेशा डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलती है। ये 175 या 150 तक आपको मिल जाती है। मैं दो बार यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा अपने स्किन में। अच्छी तरह से हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को। विटामिन ई न्यू स्किन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और ये हमारी स्किन को यंग और सफल बनाने में हेल्प करता है। गुड वाइब्स की सारी क्रीम्स बहुत अच्छी है, लेकिन अभी विंटर्स आ रहे हैं तो ये उसके लिए विटामिन ई वाली क्रीम बेस्ट है। चलिए इसका डेमो देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं, ये है गुड वाइब्स की विटामिन ई क्रीम। इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लग्जरियस पैकेजिंग रखी है इन्होंने। और इस तरह के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इन्होंने यहाँ पे पूरे मेंशन किए हुए हैं कैसे आपको इसको यूज़ करना है। ये यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है। इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल है, जो कि अच्छी बात है। और इस तरह की इनर पैकेज और इस तरह की इसकी क्रीम का टेक्स्चर है और ये इस तरह की क्रीम दिखती है। विटामिन ई क्रीम ज़्यादा चिपचिपी क्रीम नहीं है ये बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में। ये मैंने हाथ पे लगाई थी तो मैं आपको दिखा रही थी। और ये हमारे जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा डिले करती है ये क्रीम। मैंने अपने ये मेकअप लुक में इसी क्रीम को यूज़ किया था। अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहते हो मेरे चैनल पर है मेहंदी फंक्शन का जो मेकअप लुक है, इस तरह आपको अपना लगा लेनी है। अच्छी तरह से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करनी है, उसके बाद आप अपना मेकअप करें। ये मेरा फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।